राकेश त्रिपाठी ऑन स्क्रीन, राकेश त्रिपाठी वो कह रहे भाईचारा था। देखिए सच, हाँ मैं बता देता हूँ भाईचारा क्या होता है। सच्चाई ये है कि मुंबई महाराष्ट्र में जो अंडरवर्ल्ड के माफिया हुआ करते थे ना, उनको भाई कहा जाता था। यही भाई कल्चर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में लेके आई, और इसीलिए अतीक भाई, मुख्तार भाई के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे चारा बनाकर रखा था कि वसूली करो, रंगदारी वसूलो, अपहरण करो, डकैती करो, लूट लो, बलात्कार करो, सब कुछ करो, लेकिन आप भाई बने रहोगे। और ये जो भाई था ना, उसी भाई के चारे की बात कर रहे थे। वो भाईचारा टूट रहा था क्योंकि भाई के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, इसलिए परेशान थे। और इसीलिए आज अनुराग भदौरिया की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो मातम है, वो दिखाई पड़ रहा है, छलकता हुआ बिल्कुल, कि कैसे उनके भाई पर कठोरता से कार्रवाई हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपका खूब भाईचारा था, आपका खूब भाईचारा था इन अपराधियों के साथ, इन अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, डॉन के साथ भाईचारा। सब भाई हैं, भाई सब भाई हैं, आपस में एक रिश्ता है। आप यूपी की जनता को चारा बना करके पूरा इन भाई के हवाले कर देते थे ना, ये भाई जान के हवाले जो कर देते थे ना, कि भाई जान के हवाले कर दिया है और यूपी की जनता को चारा समझ करके चर लो। अनुराग जी आप बोल रहे हो कि ये हिंदुस्तान ना तेरा है ना मेरा है, ये हम सबका है। हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं हो रही। असद इज इक्वल टू इज नॉट इंडिया। एक सेकंड, इनको ऑडियो डाउन रखिए, ये लगातार बोलेंगे। भाई मैं आप ही के पास आ रहा हूं, किसी के पास नहीं जा रहा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये असद के साथ कौन सा भाईचारा था आपका, मतलब एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा आप ट्वीट पढ़ लीजिए, ट्वीट पढ़ के सुनाइए, चलिए जनता को जानने दीजिए कहां उन्होंने लिखा है असद के साथ। आप ट्वीट पढ़िए, चलिए पढ़िए। आप भी तो कह रहे हैं हमारा सबके साथ भाईचारा है, अभी आपने बोला हमारा सबके साथ भाईचारा है। सबके तो असद के साथ क्या भाईचारा है, किसके साथ है असद के एनकाउंटर में क्या भाईचारा है, हमने क्या बोला पूरे। अरे आप सुन तो लो, अभी आप सुन तो लो, सुन तो लो, हमने क्या कहा हिंदुस्तान में आपस में रिश्ते कितना कर लो भाई, हिंदुस्तान में आपस में नफरत फैलाई जा रही है आप। अरे यार बोलने दोगे नहीं, अरे बोलो, क्या निकल बोलो, गया बोलो, बोलो, निकल गया बोलो, निकल गया बोलो, किधर निकल गया। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में हर व्यक्ति चूंकि हम लोग प्यार, अरे हर व्यक्ति क्या असद के मुकाबले हर व्यक्ति है, मान के हर व्यक्ति गुंडा है क्या, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरा देश के नागरिकों को क्या समझते हैं, गलत है उसको डॉक्टर अजय लोग कुछ करेगा, डॉक्टर अजय लोग सजा देने वाले कौन होते हैं, देश का हर व्यक्ति गलत करेगा, देश का हर व्यक्ति भाईचारा है, देश के हर व्यक्ति के साथ भाईचारा है। अरे रखिए भाईचारा, ये असद के साथ भी भाईचारा है, देश का हर व्यक्ति के असद है क्या भाई, इनका असद से भी भाईचारा था, अतीक से भी भाईचारा था। और जैसा अभी राकेश जी ने कहा, मुंबई के तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन, अबू सलेम वगैरह जितने सबसे भाईचारा था, और तो और छोड़िए वलीलुल्ला से भी भाईचारा था, वो आतंकवादी जिसने बनारस मंदिर में ब्लास्ट किया था, जिसपे हाईकोर्ट ने इन्हें चपत लगाई थी अच्छे से, ठीक है। अब इनका भाईचारा गजब कमाल का है, जितने आतंकवादी होते हैं, ये जो अनुराग भदौरिया भाईचारे का जिक्र कर रहे हैं, सबसे इनका भाईचारा सपोर्टेड नहीं। देखिए मेरे भाई तो आप हैं अमीश जी, भाई हैं आप हमारे, और हमारा तो भाईचारा आपके साथ निपटता है और किसी के साथ नहीं निपटता। मेरे बहुत ही करीबी भाई हैं आप, मुझे आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत है। चलिए देखिए, इसी के बुनियाद पर मैं आपसे 30 सेकंड मांग रहा हूँ, 30 सेकंड मांग रहा हूँ, भाई का लाज रख लीजिएगा जी। जी जी, आप आपको 15 सेकंड दिए क्विकली। हाँ जी, जो वे कहते हैं ना कि नासूर हैं वो लोग, तो नासूर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 से ज्यादा सांसद, बीजेपी के जो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर हैं, बीजेपी के ब्रिजभूषण सिंह या तमाम लोग जो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, उनके बारे में बात करने से डरते हैं और थराते हैं कि अरे उन गैंगस्टर माफियाओं की।